हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अनुपमा सीरियल का अपकमिंग ट्विस्ट, जो कि अनुपमा की लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा एंड फैंस को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आइए गाइस, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि सीरियल अनुपमा में अभी अनुज कपाड़िया एंड अनुपमा दोनों ही मुंबई गए हैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए, जिसके लिए वनराज शाह एंड काव्या और उनकी बा एंड तोशु, जो कि बिल्कुल ही ना खुश हैं, वो नहीं चाहते थे कि अनुपमा अनुज कपाड़िया के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए अकेली मुंबई जाए। तो गाइस, अपकमिंग ट्विस्ट में ये होने वाला है कि अनुपमा एंड अनुज कपाड़िया जैसे ही बिजनेस मीटिंग को ख़त्म करके मुंबई से वापस आएंगे, वनराज शाह अनुपमा के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे कि उनके अनुज कपाड़िया के साथ रिलेशन है, उनके करेक्टर के ऊपर सवाल उठाएंगे। तो इसी बात पर अनुज कपाड़िया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अनुज कपाड़िया अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाते और वो वनराज शाह का कॉलर पकड़ लेते हैं। वनराज शाह एंड अनुज के बीच में एक थोड़ी सी फाइट हो जाती है। उसके बाद अनुपमा ये फैसला लेती है कि अब वो उसकी लाइफ का डिसीजन वो खुद लेगी, वो किसी के बारे में भी अब कोई चिंता नहीं करने वाली है। उसके बाद अनुपमा एंड अनुज के बीच में ये बात शुरू होती है कि वो एक नया घर लेगी। जैसे ही अनुपमा ये अनाउंस करती है कि अब वो अपने लिए नया घर लेगी, वो इस घर में नहीं रहेगी, वैसे ही घर के सभी मेंबर शॉक हो जाते हैं, जिसके अंदर बा और तोशु, काव्या एंड वनराज आते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी सभी लोग घर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड फाइनली ये होगा कि अनुपमा एंड समर एक नए घर में रहने वाले हैं, क्योंकि समर अपनी मम्मी के साथ ही रहेंगे। देखना ये होगा कि आने वाले समय में अनुपमा का साथ कौन देता है और कौन कौन नए घर में शिफ्ट होते हैं। फिलहाल ये तो फाइनलाइज है कि अनुपमा एंड समर दोनों ही नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आप अनुपमा के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाएँ उनके बारे में। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।